नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेक मीडिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में केएल राहुल ने इंग्लैंड के गेंदबाज को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी केएल राहुल के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंघम के टेंट ब्रिज में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जरूर का यह फैसला टीम के हक में नहीं रहा और भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 183 रनों पर धाराशाही हो गई। जहां पर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 67 रनों की पारी कप्तान जो रूट ने खेली। इसके अलावा जॉनी बेरिस्टो ने 29 रन बनाए। दोस्तों इंग्लैंड टीम के विकेटकीपर जॉस बटलर तो उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला और वहीं बुमराह ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि दोस्तों पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे और पहली पारी के आधार पर 162 रन पीछे थी। मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और भारत की शुरुआत तो बहुत ही शानदार रही। भारतीय टीम का पहला विकेट 97 रनों पर गिरा जब भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा 37 और केएल राहुल 48 रनों पर खेल रहे थे। तभी ऑली रॉबिन्स ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिया, लेकिन केएल राहुल लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। इसी बीच इंग्लैंड के गेंदबाज रॉबिन्सन बार बार केएल राहुल को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब केएल राहुल ने कुछ अलग ही अंदाज में दिया। अपना 2500 ओवर फेंकने आए रॉबिन्सन की गेंद पर केएल राहुल ने शानदार कवर ड्राइव जड़कर रॉबिन्सन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, जिसके बाद रॉबिन्सन ने अपना आपा खो दिया और फिर से केएल राहुल से कुछ कहने लगे और टकराने लगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको केएल राहुल का यह जवाब देने का तरीका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।